क्या गाइस आपको पता है ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई भी गन को बिना रिलोड के चले जा सकते हैं गाइस। ये कोई हैक भी नहीं, ये कोई ग्लिच फल भी नहीं, ये एक ट्रक है जो ट्रक मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जिस बीट में मैं आपको टॉप 5 अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रक बताने वाला हूं जो कि गाइस काफी खतरनाक होने वाली है। ट्रिक नंबर 1, तो गाइस पहले ट्रक के यूज करने के लिए स्टेप को ध्यान से फॉलो करना। आपको सबसे पहले कार्ड वाले सेक्शन में चले जाना एंड यहां से आपको मॉन्स्टर ट्रक ले लेना। उसके बाद मॉन्स्टर ट्रक को आग की तरह मूव करते करते अपने गेम को मिनिमाइज करना गाइस। आपको स्पीड बर्न को छोड़ना नहीं, गेम को लेकिन कुछ इस वाले फ्लेस में चले जाना, तेजी से चले जाना कुछ यहाँ पर गेट आउट बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद देखोगे मॉन्स्टर ट्रक घुस जाएगी इस वाले गली के अंदर एंड गाइस यहां पर आपको मॉन्स्टर ट्रक को ड्राइव कर लेना। उसके बाद आपको स्पीड बटन पे क्लिक करना एंड गाइस देखो मैं जीत हो गया। जब ये ट्रक का चला कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छे लगे तो लाइक कर दो। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, नंबर 2। तो गाइस आप बात करते हैं गन को बिना रीलोड के फायर करने के ट्रिक की। गाइस स्टेप को ध्यान से फॉलो करना। आपको यहां से चले जाना सबसे पहले फायर जोन में एंड गाइस आपको फायर जोन में जाते ही अपने इंटरनेट कनेक्शन को तुरंत सब कर देना ताकि आपको फायर जोन में ना ले जाए। गाइस आपको ये प्रोसेस तुरंत से करना पड़ेगा ताकि आपको फायर जोन में ना ले जाए एंड यहाँ सबको चले जाना शॉटिंग प्रैक्टिस पे एंड अपने इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर देना। इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करने के बाद आपको शॉटिंग प्रैक्टिस वाले बटन पर टैप कर देना। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना एंड जब कुछ हमने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करना, आपको थोड़ा टाइम और वेट कर लेना एंड देखोगे मजे का। जब आपको फायर जोन में ले जाएगा एंड जब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको ओके पर टैप कर देना। देखो मजे का, जब आपका अनलिमिटेड ग्लू वॉल तो नहीं होगी लेकिन आपका गन बिना रीलोड किए फायर कर सकती हो। तो गाइस जब ये ट्रक यूज करके फ्रेन एनिमी पकड़ को सरप्राइज कर सकते हो। तो गाइस आपको ये ट्रक कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना। तो गाइस चले बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस ये तीसरा ट्रक एक बंदे ने कमेंट किया, स्टेप 1 सीएस मैच लगाओ, स्टेप 2 यूज जेडाई लॉर्ड पिस्तौल के एमो को फेंक दो, स्टेप 3 यूएस राउंड को विन करो। नेक्स्ट राउंड आपके पास पिस्तौल एमो वाला कन नहीं होगा, फिर भी आपके पास पिस्तौल के एमो आ जाएगी। नहीं यार, ये बिल्कुल नहीं हो सकती, मेरे पास पिस्तौल कन नहीं रहेगी तो पिस्तौल के एमो कहां से आ जाएगी। तो गाइस चलिए ट्राई करके देखती है। तो गाइस ट्रिक यूज करने के लिए हमने जेडाई गन को भी ले लिया एंड बैग से पिस्तौल के एमो को भी फेंक दिया। तो जब हमने मैच को विक्टर कर लिया एंड जब आप देख सकते हो मेरे पास पिस्तौल भी नहीं है, मेरे बैग पे पिस्तौल के एमो भी नहीं है। तो कहीं चलो नेक्स्ट राउंड देखते हैं सचमुच या तो फिर बंदे ने झूठ बताया। मेरे को तो लगता नहीं पिस्तौल के एमो देने के लिए मिलेगी क्योंकि मेरे पास पिस्तौल है ही नहीं। आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चलो बैग को ओपन करो। भाई जिस बंदे के लिए एक लाइक कर दो और जैसे और ट्रिक देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ट्रिक नंबर 4, स्टेप 1 स्टोर में जाओ, स्टेप 2 पेट खरीदने वाले सेक्शन में जाओ, स्टेप 3 पेट की इमोट वाले सेक्शन में जाओ, स्टेप 4 देखो डोगो पेट की दो इमोट सेम है, बस उसकी इफेक्ट डिफरेंट है। ऐसी बात है क्या? तो क्या जब हमने पहले वाले इमोट लगवा दिया, अब दूसरे वाले इमोट को लगवाता हूं एंड गाइस देखता हूं कि सचमुच सेम है या तो फिर नहीं। गाइस तुम्हारा बात तो एकदम सर्ट का सच है, बस उसकी इफेक्ट अलग है। तो गाइस चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, ट्रिक नंबर 5। अब एस बी डी वाई गन से ग्लू वॉल नहीं फोड़ सकते, नहीं का जैसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो गाइस चलो अभी हमने एस बी डी वाई खरीद लिया एंड जाती है फायर जोन में। उसके बाद देखते क्या हम ग्लू वॉल सचमुच नहीं फोड़ सकते। तो गाइस चलो यहाँ पर एक ग्लू वॉल सेट करते हैं एंड फोड़ते एस बी डी वाई गन से। गाइस हमने 19 फायर कर दिया, अभी तक ग्लू वॉल नहीं टूटा। अगर गाइस हम सिर्फ इस वीडी से ग्लू वॉल तोड़ती है तो कितना फायर करना पड़ेगा। तो गाइस चलिए देखती है। गाइस 9 गोली में टूट गई, उसका मतलब हम इस वीडी वाई गन से ग्लू वॉल नहीं तोड़ सकते। तो गाइस आज के टॉप 5 ट्रिक में से आपको कौन सा ट्रिक सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। इसे और ट्रिक देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलते हैं कोई नया ट्रिक लेकर, तब तक के लिए बाय-बाय।